अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, आवाज रहे, आमीन। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी जो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम यानी कि 3 पाव है, और उसमें हम ये मसाले डाल देंगे। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसमें कट लगा दिए हैं मैंने। लहसुन अदरक में लेनी है 2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया जीरा जो मैंने रोस्ट करके उसको मैंने पीस लिया है वो 1 चम्मच हमें चाहिए, और नमक स्पेसाई का 2 चम्मच हमें चाहिए लेमन जूस के, और 2-3 चम्मच हमें दही चाहिए, वो हम इसमें ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और फूड कलर है वो हमें चुटकी बस ऐड करनी है इसमें, ताकि इसमें कलर जो हमारा है वो अच्छा आ जाए ब्राउन ब्राउन। और उसके बाद ये तिक्का मसाला, हम तिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो ये तो कलरफुल होनी चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। वाइट विनेगर मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच। सोया सॉस हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, यानी कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इसे रेस्ट देंगे। अब हमें कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमें 3 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेना है। तो इसे 5-6 मिनट हमें फ्राई करना है एक ही साइड पे, उसके बाद हमें इसकी साइड पलट लेनी है, और उसके बाद हम इसे कवर लगा के 5 मिनट तक पकने देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके बाद हम देखेंगे इसको। कवर लगाएंगे और इसे कुकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन इसको हमें पानी बिल्कुल खुश कर लेना है, तो अभी इसको और करना है हमें, और इसे थोड़ा हमें गोल्डन भी करना है। 2 मिनट के लिए हम फिर से इसे कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है। तो गोल्डन ब्राउन भी होने लगा है, तो अब हम इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टमाटर लिए थे मैंने, उसकी पेस्ट बना ली है और मैंने इसमें ऐड कर दिए। मज़ीद हम इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मैं इसमें 2-3 हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, और चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमें इसे स्मोकी बनाना है, तो कोयला हमने रख दिया है गैस पे, तिक्का कढ़ाई स्मोकी ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसे अंदर कोयला रखेंगे, उसके बाद उसमें 1 टीस्पून हम ऑयल का ऐड करेंगे और इसे दम लगा देंगे
दो तीन मिनट और उसके बाद हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो बस यही कहूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है तो आप बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। और इसके साथ में आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।